हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्ज़ाम तक के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जो है कंप्यूटर के 17 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए थे, अगर आपने जो है वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर आप आसानी के साथ जो है वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा जो है प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वहाँ पर भी जाकर आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं आज का वीडियो, और यहाँ पर जो है कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए जो है बनाए गए हैं, तो आप जो है इन सभी क्वेश्चन का जो है टेस्ट भी दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 को किया जाए। क्वेश्चन है यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 18, MS वर्ड 2016 में मैक्रोज का ऑप्शन जो है रिव्यू टैब में उपलब्ध होता है। दूसरा है यहाँ पर मैक्सिमाइज बटन का उपयोग विंडो के डिस्प्ले आकार को जो है बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, MS वर्ड 2016 में मैक्रोज का ऑप्शन जो है रिव्यू टैब में होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। इसका जो है मैक्रोज का ऑप्शन व्यू टैब में होता है, व्यू टैब में इसका ऑप्शन मैक्रोज का दिया होता है। इसके अलावा जो है रिव्यू टैब में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, आपके रिव्यू टैब में जो है स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करने का ऑप्शन होता है, ट्रांसलेट का ऑप्शन जो है रिव्यू टैब में होता है, इसके अलावा जो है वर्ड काउंटिंग का ऑप्शन जो है रिव्यू टैब में होता है, इसके अलावा जो है वर्ड काउंटिंग का ऑप्शन जो है स्टेटस बार में भी दिया रहता है। नीचे जो है स्टेटस बार जो होता है वहाँ पर भी वर्ड काउंटिंग का ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है स्टेटमेंट गलत है, दूसरा यहाँ पर स्टेटमेंट जो है सही है। तो यहाँ पर फर्स्ट गलत, दूसरा सही, तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 है, यह बताएं कि कौन सा कथन इसमें से सही है और कौन सा गलत। आपके पास दो स्टेटमेंट है, MS वर्ड 2016 में स्क्रीनशॉट का ऑप्शन जो है लेआउट टैब में होता है। दूसरा स्टेटमेंट है स्टेटस बार पर डॉक्यूमेंट में पेजों की संख्या वर्ड काउंट और स्पेलिंग ग्रामर चेक का ऑप्शन होता है स्टेटस बार में। तो स्टेटस बार में जो है डॉक्यूमेंट में पेजों की संख्या, वर्ड कितने वर्ड लिखे हुए हैं आपके पेज में, इसके अलावा जो है स्पेलिंग और ग्रामर चेक का ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर स्टेटस बार में दिया रहता है। तो ये ऑप्शन जो है सही है, दूसरा जो है यहाँ पर गलत है। स्क्रीनशॉट का ऑप्शन जो है किस टैब में होता है, इंसर्ट टैब में इसका ऑप्शन होता है। इसके अलावा जो है इंसर्ट टैब में क्या क्या दिया रहता है, टेबल को ऐड करने के लिए जो है इंसर्ट टैब का प्रयोग किया जाता है MS वर्ड में। इसके अलावा जो है पिक्चर को ऐड करने के लिए जो है इंसर्ट टैब में रहता है। इसके अलावा जो है हेडर एंड फुटर भी इंसर्ट टैब में रहता है। इसके अलावा सिंबल का ऑप्शन रहता है, पेज की नंबरिंग का ऑप्शन भी हेडर एंड फुटर में रहता है, सिग्नेचर का ऑप्शन रहता है, डेट एंड टाइम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन जो है इंसर्ट टैब में ही होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट गलत है, दूसरा यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 है, JPEG एक इमेज फॉर्मेट है, यह निम्न में से किसके लिए जो है प्रयोग किया जाता है। तो JPEG का किसके लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि JPEG एक इमेज फाइल फॉर्मेट है, तो इसका फुल फॉर्म बताना है। तो जिसका फुल फॉर्म होता है JPEG का ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पर कंप्यूटर क्षेत्र में स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है। तो स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, यहाँ पर यट्टाबाइट जो है सबसे बड़ी इकाई होती है। तो यहाँ पर बात करते हैं तो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है बिट, उससे बड़ी होती है बाइट, बाइट से बड़ी होती है
किलोबाइट यानी जिसे कहते हैं केबी शॉर्टकट में, इसके बाद मेगाबाइट, एमबी के बाद जो है यहाँ पर जीबी होती है यानी कि गीगाबाइट, उससे बड़ी जो है टीबी यानी कि टेराबाइट, उसके बाद जो है पेटाबाइट, उसके बाद जो है एक्साबाइट, जेट्टाबाइट, इसके बाद जो है योट्टाबाइट। तो सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? योट्टाबाइट जो है सबसे बड़ी इकाई होती है कंप्यूटर में स्टोरेज की। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 है। कैच मेमोरी किसके किसके जो है बीच में कार्य करती है? तो कैच मेमोरी किसके किसके बीच में कार्य करती है? सीपीयू और रैम के बीच में। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस नंबर सिस्टम में का बेस जो है यहाँ पर 16 है? किस नंबर सिस्टम का बेस जो है 16 है? वो नंबर सिस्टम होता है यहाँ पर हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का बेस जो होता है 16 होता है। ऑक्टा, ऑक्टा का जो है 8 होता है। बाइनरी का जो है बेस 2 होता है। बाइनरी का 0 और 1 होता है बेस। उसके बाद डेसिमल का बेस जो है 10 होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है MIDI का जो है पूरा नाम पूछा गया है। तो बात करते हैं MIDI का पूरा नाम क्या होता है इनमें से। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, मेमोरी इंटरफेस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, या फिर म्यूजिकल इंटरफेस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, या फिर यहाँ पर मल्टीपल इंटरफेस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, या फिर मेमोरी इंस्ट्रूमेंट डाटा इंटरफेस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। इसका प्रयोग जो है MIDI जो है कंप्यूटर के म्यूजिक के लिए जो है यूज किया जाता है, यानी कि म्यूजिक को बढ़ावा देने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है। यहाँ पर बताना है आपको कौन सा प्रिंटर जो है इंकलेस प्रिंटर है, यानी कि किस प्रिंटर में जो है स्याही का प्रयोग नहीं किया जाता है? थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, या फिर OCR, या फिर डॉट मैट्रिक्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, थर्मल प्रिंटर में जो है स्याही का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके अलावा जो है लेजर प्रिंटर में भी स्याही का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 है, MS Word 2016 में होम मेन्यू का प्रयोग करके जो है आप विभिन्न ऑब्जेक्ट जैसे कि पेज हेडर एंड जो है फुटर, पिक्चर आदि को इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पर जो है अगर इमेज वगैरह को ऐड करना है, हेडर एंड फुटर को लगाना है, तो इंसर्ट टाइप का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा दूसरा यहाँ पर स्टेटमेंट है, वर्कशीट की एक सेल में जो है अधिकतम 257 कैरेक्टर को जो है आप रख सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर फर्स्ट गलत है, दूसरा सही। तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है। यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत। पहला स्टेटमेंट है, यहाँ पर एक्सेल 2016 में रो की संख्या जो है 148576 होती है। तो ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो है एक्सेल वर्कशीट में कॉलम की संख्या जो है 16384 होती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों सही हैं। तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है। यहाँ पर MS पावर पॉइंट में आप किसी प्रेजेंटेशन में चार्ट को ऐड कर सकते हैं? MS पावर पॉइंट में जो है चार्ट को कैसे इंसर्ट किया जाता है,
वर्ड में जो है वर्ड में इंसर्ट टैब पर जाएंगे, उसके बाद जो है चार्ट का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर पावर पॉइंट में भी जो है चार्ट में चार्ट को इंसर्ट करने के लिए जो है इंसर्ट टैब पर जाएंगे, उसके बाद चार्ट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, तो वहाँ से जो है आसानी के साथ चार्ट को ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, एमएस पावर पॉइंट 2016 में आप स्लाइड शो को जो है कैसे रोक सकते हैं। तो स्लाइड को शो को कैसे रोक सकते हैं, तो इसे रोकने के लिए जो है ESC बटन को प्रेस किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 है, निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। रैम एक वोल्टाइक मेमोरी है, ये सही है। एक इंटरप्रेटर कंपाइलर की तुलना में जो है लगभग 5 से 25 गुना तेज होता है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कंप्यूटर चालू होने के बाद जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर मेमोरी में लोड किया गया पहला प्रोग्राम होता है, तो ये भी सही है। बल्क स्टोरेज के लिए जो है सेकेंडरी मेमोरी जो है नियोजित है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, यहाँ पर बार कोड रीडर के बारे में जो है कौन सा कथन गलत है। इसका उपयोग जो है वस्तुओं की तेज़ी से पहचान के लिए किया जाता है, तो ये भी सही है। इनमें से छोटी लाइनों की एक सीरीज होती है जिसे बार कहा जाता है, सही है। बार कोड में ऐसी ऐसी लाइनें बनी होती हैं, तो बार की वास्तविक पहचान कोडिंग के बाद बार की चौड़ाई पर निर्भर करती है, तो ये गलत है। बार चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो उसकी पहचान की जा सकती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रेजेंटेशन से बाहर आने के लिए क्या करना होता है। अगर आपको जो है MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन से बाहर आना है तो इन चारों विकल्पों में से किसका प्रयोग करेंगे। एप्लीकेशन मिनिमाइज बटन पर क्लिक करेंगे तो उससे जो है छोटा हो जाएगा। डॉक्यूमेंट क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसके बाद जो है क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे तो सेव एज का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। एप्लीकेशन कंट्रोल मेनू आइकन पर डबल क्लिक करेंगे या फिर आप डॉक्यूमेंट कंट्रोल मेनू आइकन पर जो है डबल क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। एप्लीकेशन कंट्रोल मेनू आइकन पर जो है डबल क्लिक करेंगे तो आप जो है आसानी के साथ बाहर आ सकते हैं। तो फ्रेंड ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने कराए। तो यहाँ पर 32 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुके हैं, तो आगे भी नए क्वेश्चन जो है बनाए जाएंगे और अपलोड किए जाएंगे, तो आप जो है पिछले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।